150 ml কাপ আছে 100 চলে যান দে হবে 150 টা কি নেই একদমই নাকি और गाइस अभी मैं निकली हूँ शॉपिंग में, बहुत मज़ा आ रहा है। घर घर के शॉपिंग किए हैं और घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या शॉपिंग हुई है आज। अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, सारी चीज़ों की शॉपिंग कर रही हूँ मैं और बहुत मज़ा आता है ये सब में। सो गाइस मैं आ गई हूँ वापस अपने घर और इस साल की गणपति फेस्टिवल की शॉपिंग जो भी मैंने की है तो वो जितनी सारी की है 3 बैग पूरे भरे हुए हैं। लेट मी शो यू। ये देखें, ये एक बैग पूरा भरा है, ये दूसरा वाला बैग पूरा भरा है, ये तीसरा वाला बैग पूरा भरा है शॉपिंग से। और सारी फेस्टिव की ही शॉपिंग है, गणपति की ही शॉपिंग है सारी। तो क्या क्या मैंने लिया है, लेट मी शेयर द बिगेस्ट एंड गाला शॉपिंग ऑफ दिस ईयर। एंड जो कच्ची चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें कल सुबह सुमन जी लेकर आएंगे। मिठाई वगैरह जो चीज़ें होती है ये कल सुबह हमारे घर आएगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने परचेस कर लिया है, लेट मी शो यू। सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी वाली चीज़ जो है दैट इज़ दिस ज्वेलरी, दिस वन। इसके अंदर में क्या है, कुछ तो गोल्ड या डायमंड होगा या सिल्वर होगा। तो लेट्स ओपन दिस टेंटन। ये है सिल्वर के बर्तन, यानी चांदी के प्योर सिल्वर के बर्तन जो कि गणपति महाराज को हम लोग देंगे। ये चांदी का इस तरह का सिल्वर की कटोरी है, 2 कटोरियों का सेट है चांदी का प्योर सिल्वर। और यहाँ पर एक प्लेट है सिल्वर की लंबी वाली और यहाँ पे 2 इस तरह के डिज़ाइनर वाले चम्मच है, स्पून सेट। दोनों स्पून सेट में है, दोनों की डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। मैं खोलकर दिखाती हूँ आपको। काफी टाइटली पैक किया है इन लोगों ने। ये देखिए गाइस, एडोमट्रो, इसकी जो कारीगरी है आपको पता चल रही है कि नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ कैमरा के साथ 100% इंसाफ करने की। देखिए इस तरह के डिजाइन में सिल्वर की स्पून है,
तो इस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर दो सिल्वर के स्पून है जो दो के सेट में आए हैं दोनों ही। इस तरह की सिल्वर की कटोरी है दो और एक प्लेट है सिल्वर की। तो बहुत ही प्यारा सा ये सिल्वर का ज्वेलरी सेट है जो कि ज्वेलरी नहीं यूटेंसिल सेट है, सिल्वर के बर्तन चांदी के बर्तन जो कि गणेश जी को हम लोग इस साल देंगे। ओके ये है चारों तरफ से वो बेदी बांधने का तिरकट्ठी बोलते हैं हमारे बंगाल में इसको। सैंडल वाली अगरबत्ती है, दस कर्म की सारी चीजें हैं मतलब पूजन सामग्री की सारी चीजें हैं यहाँ पर। लाल पीले वस्त्र और सफेद वस्त्र, और इस साल हमारा हवन भी होगा तो हवन का भी सारा सामग्री जो भी चाहिए होता है सारी चीजें हम लोग लाए हैं। गुलाब जल विच इज मैंडेटरी, पांच तरह के सुगंधी देते हैं तो इसमें से इत्र और गुलाब जल आती है, उसमें से अगरू आती है, ये कलश है। इसके अंदर में सारी पूजन सामग्री है जैसे ये कुमकुम हुआ, अक्षत की चीजें हुई, फिर तिल वगैरह जो देते हैं, उसके बाद जौ है, उसके बाद ऑरेंज कलर की सिंदूर जो देते हैं, मधु है, छोटा वाला घी जो पूजा में लगेगा, बेलपत्र की चूर्ण की जरूरत होती है, मिट्टी के पांच दिए हैं, मिट्टी के दिए पांच है। और ये लकड़ियों का गट्ठा है विच इज मैंडेटरी फॉर परफॉर्मिंग होम एट योर हाउस, जो होम यज्ञ होती है उसके लिए इस तरह के लकड़ी की जो गाठे होती है इनकी जरूरत होती है। लकड़ी की गाठे है मैंडेटरी फॉर परफॉर्मिंग होम एट हाउस, होम यज्ञ के लिए ये बहुत ही जरूरत होती है, इसकी जरूरी चीज है। एंड दिस ईयर वी आर परफॉर्मिंग होम यज्ञ। डेकोरेशन के कुछ सामान है लाइक दीज आर द लूज फ्लावर्स, इस तरह के पंडाल डेकोरेशन के काम में आएंगे। पेपर की मालाएं बाहर की डेकोरेशन के काम में आएंगे। ये ग्रीन कलर के माला का सेट है, ये भी बाहर के डेकोरेशन के काम में आ जाएंगे। डेकोरेशन की चीज़ें पहले भी मैंने मंगाई है ऑनलाइन से और मार्केट से जाकर के जो कुछ अच्छा लगा मैंने ले लिया है। इस तरह के फ्लावर्स के गुच्छे हैं, ये भी पंडाल में ही लगेंगे बिल्कुल। गणपति जी की पगड़ी है, गणपति बाप्पा की धोती है ये,
द मोस्ट लवेबल थिंग वाइट और गोल्डन में गणपति बाप्पा की धोती है और इसके साथ मैचिंग पगड़ी है जस्ट लाइक मोली रोली वगैरह काफ़ी सारी और भी चीज़ है पूजन सामग्री हल्दी की गांठ कुमकुम वगैरह इसके अंदर में लगभग इसको खोलेंगे तो 10 चीज़ें मिलेंगी सामग्री पूजन सामग्री पंडित जी के बैठने का जो जिसको बोलते हैं आसन इस तरह का है इतना सुंदर है देखिए और यहाँ पर फ्लावर के चेन है जो के वहां लगेंगे अब खोलते हैं बैग नंबर 3 तो इसमें भोग की चीजें हैं भोग बनेगी इन सब चीजों से यहाँ पर दही और गणपति बाप्पा की मिठाई स्वीट्स वगैरह सब कुछ है जो भी स्वीट्स हम लोग को चाहिए होगा कल गणपति बाप्पा को देने के लिए नारियल जो कि महाफल है हर एक पूजन में नारियल का महत्व बहुत ज्यादा होता है और घर के पूजा में तो बहुत ही नारियल मैंडेटरी है तो इसलिए हमेशा हम लोग नारियल चढ़ाते हैं पूजा में तो नारियल लेके आए हैं और ये छोटा वाला केला जो चाहिए होता है पूजा के लिए इस तरह का ही होता है और ये नारियल है बेलपत्र इत्यादि पान के पत्र ये सब चीजें भी है क्योंकि अभी से चतुर्थी पड़ चुका है आज से ये है माला फूलों की गुड़ है जो कि स्पेशल दान चढ़ेगा ये चावल जाएगा पंडित जी को पंडाल बनाने के लिए एक कर्टन लिए हैं इस तरह की बहुत खूबसूरत है ये लग जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा ये प्योर ब्राशो नेट की है गोविंद भोग राइस जिसको बोलते हैं हम लोग अंबे मोहन राइस बोलते हैं आप लोग गोविंद भोग राइस हम लोग बंगाल में बोलते हैं वही राइस है जिससे बनने वाला है हमारा कल का भोग एक और राइस है ये भी इसको आतप चावल बोलते हैं बंगाल में तो ये सारी शॉपिंग मैंने कंप्लीट की है आज जो कि ढेर सारी है ये देखिए पूरा ही पीछे से बैकग्राउंड मेरा भरा हुआ है शॉपिंग से तो इतना तक कर दिए हैं अब तैयारी है पंडाल वगैरह सजाएंगे बाहर का डेकोरेशन आज रात तक कर देंगे डन